सीनियर सिटीजन कार्ड सरकार की एक ऐसी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना जो आज पूरे देश में धूम मचाए हुए है, लेकिन बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो आखिर है क्या। तो आज आपको हम बताएंगे सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसको आप कैसे ले सकते हैं और उसमें आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में सीनियर सिटीजन की कुछ कैटेगरी निर्धारित की गई हैं, जिनमें जो व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है वो भी उसी आधार पर आपको छूट देता है इनकम टैक्स में। इसके अलावा जो व्यक्ति 60 से 80 वर्ष की उम्र के बीच में होते हैं उन ऐसे सीनियर सिटीजन को सुपर सीनियर कहा जाता है। अब एक बीच की जो एक मिडिल लाइन होती है वो होती है 75 ईयर, और 75 ईयर्स के जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी उम्र 75 ईयर के लगभग होती है उनको कहा जाता है स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन। ये बड़ी एक कैटेगरी है सीनियर सिटीजन्स की कि सीनियर सिटीजन्स में भी कुछ की उम्र कम कुछ की ज़्यादा, तो उसको इसमें वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है कि कौन कौन किस किस तरीके के सीनियर सिटीजन होंगे। सेक्शन 194 इनकम टैक्स एक्ट में भी सीनियर सिटीजन्स के बारे में बताया गया, सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनकी कैटेगरीज क्या हैं और वो किस किस तरीके से वर्गीकृत किए जाएंगे इनकम टैक्स की स्लैब में और अन्य जो चीज़ें हैं उनमें। तो ये सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी हो गई जो आपको बताई है कि कौन कौन लोग सीनियर सिटीजन्स हो सकते हैं। जिनकी उम्र अभी 60 नहीं हुई है वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में अभी नहीं आएंगे, उनको 60 वर्ष की आयु तक इंतज़ार करना होगा। तो जिनकी भी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन्स की जो एक स्मार्ट कार्ड है उस स्मार्ट कार्ड में अप्लाई कर सकते हैं, उस स्मार्ट कार्ड को ले सकते हैं जो सरकारी योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन स्मार्ट कार्ड जो है वो स्मार्ट कार्ड के जो फ़ायदे हैं वो स्मार्ट कार्ड के फ़ायदे ये हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी आप टैक्स देते हैं, कोई भी इनकम टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, उसमें आपको बड़ी छूट मिलती है। नंबर एक फ़ायदा। नंबर दो फ़ायदा इसका ये है कि आपका कोई केस है, कोई आपका मुकदमा है जो कोर्ट में चल रहा है उसकी सुनवाई में आप जाते हैं, तो जब ऐसे केस की सुनवाई में आप जाते हैं और आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड अगर मौजूद है, आप उसको दिखाएंगे जज साहब को या जो भी कोर्ट का स्टाफ होगा उनको, तो आपकी जो केस की सुनवाई है उसको प्राथमिकता से लिया जाएगा, आपको वेट नहीं कराया जाएगा, आपको इंतजार नहीं कराया जाएगा, आपको सीनियर सिटीजन होने के नाते आपकी सुनवाई तुरंत तत्काल शुरू की जाएगी। डोर स्टेप बैंकिंग इसका एक फ़ायदा है। आप सीनियर सिटीजन कार्ड आपके पास है, आप सीनियर सिटीजन हैं, तो जो आपकी बैंक है वो आपके घर तक आएगी आपकी मदद करने के लिए। आपको अपने रुपये जमा करने हैं, आप पेंशन ले रहे हैं, आपको अपना रुपया निकालना है पेंशन का, आपको जमा करना है, निकालना है, अन्य जो भी कुछ काम करने हैं आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होगा। बैंक आपके घर आएगी और आपके घर से ऑपरेट करेगी, जो भी आप चाहेंगे सुविधा आपको आपके घर पे दी जाएगी। इस कार्ड का एक फ़ायदा ये भी है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई इलाज कराते हैं तो वहाँ पर आपको जो उसकी फीस होगी उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। किसी भी तरीके का कोई टैक्स आप जमा करते हैं उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। रेलवे या हवाई जहाज़ से आप यात्रा करते हैं तो उनकी टिकट जब आप बुक कराते हैं तो सीनियर सिटीजन का ये कार्ड जो है आपको जो उसकी फ़ीस होगी, जो उसकी रकम होती है किसी टिकट की, उस फीस की उस रकम में आपको रियायत दिलवाएगा, उसकी रकम को कम करवाएगा, यानी कि कम रुपए में आप अपना हवाई यात्रा या रेलवे का टिकट जो उसको बुक कर पाएंगे। ये फ़ायदा जो है मैं आपको बता दूँ लगभग 50% तक हो सकता है, आपकी टिकट लगभग आधी भी हो सकती है। इसके अलावा जो टेलीफोन के बिल होते हैं उन टेलीफोन के बिल में भी आपको लगभग 50% की छूट इस कार्ड के जरिए मिलती है। और भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी भारत सरकार योजनाएं रन कर रही है प्रेजेंट में, उन योजनाओं में आपको बड़ा लाभ इस कार्ड से मिलता है। तो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं मैं उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सब लोगों को ये सीनियर सिटीजन कार्ड अवश्य बनवा लेना चाहिए। अब इसको बनवाने का प्रोसीजर क्या है? इसको बनवाने का सीधा सीधा प्रोसीजर है कि इसके दो तरीके हैं, आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से, किसी भी एक तरीके से इसको बनवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बनवाते हैं तो आप ऑनलाइन जो भी आपके आसपास साइबर कैफ़े हैं या तमाम पोर्टल, तमाम कंप्यूटर ऑपरेटर जो आपके आसपास दुकान वकान चलाते हैं उनके पास आप जाइए, लोकवाणी केंद्र होते हैं उनके पास आप जाइए, उनसे आप कहिए कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना है, वो आपका फॉर्म अप्लाई कर देंगे, ऑनलाइन आपके फॉर्म को भर देंगे। या दूसरा, आप
अगर इसको ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं, ऑफलाइन इसको भरना चाहते हैं, तो अपने संबंधित तहसील में आप लोग जाएं, संबंधित तहसील में पहुंच करके वहां के स्टाफ से आप लोग इस फॉर्म को मांगें। वो स्टाफ, वहां का जो स्टाफ होगा आपको फॉर्म उपलब्ध करवाएगा। फॉर्म लेने के बाद उसको भरें और उसको जमा करें। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट जो होंगे वो एक आपका मूल निवास, आप कहाँ के निवासी हैं, एक आपका जन्म प्रमाण पत्र और एक आपका आयु प्रमाण पत्र। ये तीन चीज़ें आपकी मैंडेटरी हैं, ये तीन चीज़ें आपको देनी ही देनी है। तो इन तीन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, ये आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका टेलीफोन का बिल हो सकता है, आपका हाउस टैक्स हो सकता है, आपका बिजली का बिल हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका राशन कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपके हाई स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, कोई भी ये इन कागजों में से कोई भी तीन पेपर आपको ले जा करके सबमिट करने हैं फॉर्म के साथ, और आपका स्मार्ट कार्ड बनकर तैयार, और आप सरकारी योजनाओं और अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं वो रूट होते हैं, जड़ होते हैं समाज की, और उनको जितना भी दिया जाए उतना कम है, क्योंकि उनको हम उतना नहीं दे सकते जितना उन्होंने हमें दिया। तो ये एक सम्मान है, उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। मैं अपने आसपास के लोगों से भी अपील करता हूँ, आपके आसपास में कोई सीनियर सिटीजन रहते हैं उनके पास ये सीनियर सिटीजन का कार्ड नहीं है, तो इस कार्ड में बनवाने में उनकी मदद करें, और उनको सम्मान से जो जीना चाहिए उनमें, उनको उसमें उनकी मदद करें। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों की क्वायरी, आप लोगों के सवालों आप लोग पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।